मेघवाल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपको केंद्र में नई जिम्मेदारी मिली है, नई ऊर्जा के साथ, किस तरीके से आप जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे? सर देखिए, नई जिम्मेदारी जो प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। चैलेंजिंग जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, नदी विकास है, गंगा की सफाई है, जल संसाधन को संरक्षित करना है, जल के महत्व को जनता तक पहुंचाना है, वाटर इज आल्सो रिसोर्स, उस कंसेप्ट को आगे लेकर के चलना है। निश्चित रूप से नई जिम्मेदारी है और उसके साथ साथ संसदीय कार्य में राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी मिली है, वो भी एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मंत्री परिषद का होता है। मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं। सर, तो कहा जा सकता है जो गंगा है एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सर, आपने एक बात और भी कही थी अपने भी भाषण के अंदर, जो राजस्थान है उसके परिप्रेक्ष्य में, कि जो यहाँ पर भी जो नदियां हैं उनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा। किस तरीके से राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जो नदियों को इंटरकनेक्ट करने का? देखिए, हमारे मंत्रालय में नदी जोड़ने के काम को भी प्राथमिकता दी गई है, राजस्थान को भी उससे लाभ होगा। और बड़ा लाभ, जो पेंडिंग प्रपोजल हैं राजस्थान सरकार ने भेज रखे हैं, उनका भी शीघ्रता से निस्तारण करवा करके राशि भिजवाना, मॉनिटरिंग करना और कहां कहां जो इन कामों में कमियां है उनको दूर करना। एक मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, एक अच्छा इंटरवेंशन राजस्थान में हुआ है, उसको भी आगे बढ़ाना, गति देना, ये भी हमारे मंत्रालय का एक काम होगा। तो राजस्थान का मैं चूंकि रहने वाला हूं, इसलिए राजस्थान प्राथमिकता में रहेगा ही, लेकिन पूरे देश का एक रोड मैप वो हमारी प्राथमिकता में है। तो ये थे हमारे साथ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उन्होंने बिल्कुल साफ स्पष्ट किया है जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसको पूरे केंद्र लेवल के ऊपर गति दी जाएगी। इसके साथ ही जो नदियों को इंटरकनेक्ट करने का काम है, जो जोड़ने का काम है, उसको भी प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। सहयोगी सोहन मीणा के साथ रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।